नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज मैं एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आंसर कर रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा है कि एक्सेल में यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। चलिए, इसके बारे में आज आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक्सेल में यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके पास वीवीए की नॉलेज होनी चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली बेसिस में तकरीबन 35 से 40 वीडियोज अपलोड करता हूँ। तो डेली आपको 35-40 नए टॉपिक्स सीखने को मिलेंगे। सो फटाफट मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, अगर हमारे पास एक्सेल में अगर आप इक्वल करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप फंक्शन पे जाए, एफएक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शंस मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस का लिस्ट दिखेगा, लेकिन आप बोलोगे सर मैंने तो ऐसा फंक्शन बनाया नहीं। तो बेसिकली जब आप अपने इसमें एक्सेल में जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ एडिंग्स में आएंगे, तो ये जो आपने एडिंग्स जो आपने जो एडिंग्स डाल रखी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन बना के सिस्टम में वीवी के थ्रू डाल दिए गए हैं। आप डेवलपर टाइम में अगर विजुअल बेसिक भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सॉल्वर दिख रहा होगा, तो ये पासवर्ड्स प्रोटेक्टेड है, इसमें आपको सारे फंक्शन दिए गए। लेकिन आप खुद से अपनी फंक्शन बना सकते हैं। इंसर्ट करें, मॉड्यूल्स पे क्लिक करें और यहां पे आप अपना फंक्शंस लिखें, और जैसे मैंने दिया माई फंक्शन, और आप अपना इनपुट दे दें कि एन एज ए लॉन्ग कॉमा एल एज ए लॉन्ग, और जैसे कि मैं रिफाइन कर दिया हमने, और यहां पे आप जो कैलकुलेशन करना चाहते हो, जैसे मैं यहां पे कर दिया माई फंक्शन इक्वल टू एल माइनस एन। अब बाहर आप देखेंगे कि आपके पास माई फंक्शन नाम का एक फॉर्मूला आ गया। इसमें हम दो नंबर डालेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मुझे यहां पे दे देगा। और आप फंक्शन लिस्ट में जाएंगे माई इस पे यूजर डिफाइंड फंक्शन में, तो वहां पे आपको माई फंक्शन दिख जाएगा। इस तरह से अपने फंक्शंस क्रिएट करते हैं। इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप आईबीटी इंडिया को सर्च कीजिए, वहां पे वीवीए फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हमने डाले हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। या फिर आप हमारी पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1 क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती है, डाउट होती है, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर मुझे स्काइप कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।